हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रदूषण मुक्त दीपावली और इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम इसके लिखित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है. लेकिन इसके लिखित क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बार इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाना चाहती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप इन्हें लर्न करो, ठीक है. देखिए बच्चों, ये है हमारे मौखिक क्वेश्चन और आई होप सभी बच्चों ने ये अपनी नोटबुक में लिखे भी हैं और इन्हें लर्न भी किया है. देखिए बच्चों, हमारे मौखिक प्रश्नोत्तर फर्स्ट यानी पहला जो प्रश्न है वो है बच्चों, प्रस्तुत पाठ किसके विषय में बताता है. विषय यानी किसके बारे में बताता है. आंसर देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ प्रदूषण मुक्त दीपावली के विषय में बताता है. यानी ये पाठ हमें प्रदूषण मुक्त दीपावली के बारे में बता रहा है कि हमें दीपावली कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमें कैसी दीपावली सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमें ऐसी दीपावली सेलिब्रेट करनी चाहिए जो प्रदूषण मुक्त हो, ठीक है, यानी जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी ना फैले. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दीपावली पर पटाखे चलाना उचित है या अनुचित. उचित का मतलब होता है बच्चों सही और अनुचित का मतलब होता है गलत. यानी दीपावली पर हम पटाखे चलाते हैं तो पटाखे चलाना सही है या गलत है. दीपावली पर पटाखे चलाना अनुचित है यानी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पटाखों से वायुमंडल में क्या फैलता है. और जब हम पटाखे चलाते हैं तो पटाखों से हमारे वायुमंडल में क्या फैलता है. पटाखों से वायुमंडल में धुआं फैलता है, ठीक है बच्चों. ये थे हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर, 3 ही थे और बहुत इजी भी थे. आई होप सभी बच्चों ने ये अपने नोटबुक में लिखे हैं और इन्हें लर्न भी किया है. आइए अब करते हैं हम हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर. लिखित क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बच्चों, मानिक दीपावली कैसे मनाना चाहता था. यानी इस चैप्टर में जिस बच्चे का जिक्र किया गया है, जिस बच्चे के बारे में बात की गई है, उसका नाम है मानिक. और मानिक दीपावली कैसे मनाना चाहता था. मानिक दीपावली खूब सारे पटाखों के साथ मनाना चाहता था. यानी वो चाहता था कि दीपावली पर हम खूब सारे पटाखे लाएं, खूब सारे पटाखे खरीदें और खूब सारे पटाखे चलाएं. यानी उसकी इच्छा थी कि वो दीपावली को सेलिब्रेट करेगा तो किसके साथ, पटाखों के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रदूषण रहित दीपावली कैसे मनाई जाती है. यानी ऐसी दीपावली जो प्रदूषण रहित हो वो कैसे मनाई जाती है. प्रदूषण रहित दीपावली बिना पटाखों के मनाई जाती है. यानी जब हम पटाखों का यूज नहीं करेंगे तब ही हमारी जो दीपावली होगी वो प्रदूषण मुक्त होगी, प्रदूषण रहित होगी, ठीक है. पटाखों से ही क्यों बेटा, क्योंकि पटाखे जब हम चलाते हैं तो पटाखों में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग के संपर्क में आने पर जलने लगता है और जलने के बाद बच्चों उसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें फैल जाता है, जिससे हमारी जो प्राण वायु वायुमंडल में उपस्थित होती है. प्राण वायु बोले तो प्राण वायु का मतलब होता है बच्चों कि ऑक्सीजन. यानी जिस गैस की हमें हमारे प्राणों के लिए जरूरत होती है, यानी जीने के लिए हमें जिस गैस की जरूरत होती है वो होती है बच्चों ऑक्सीजन, जिसे प्राणवायु के नाम से बताया गया है. और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है. जब हम सांस लेते हैं तो ये बात पटाखों से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण में फैल जाता है. और ऑक्सीजन जब हम सांस लेते टाइम हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं. कौन सी गैस की जरूरत होती है बच्चों, जब हम कौन सी गैस को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, वेरी गुड, ऑक्सीजन को. और जब हम जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. यानी बच्चों देखिए कि हम हमारी जो प्राण वायु है यानी जो हमारी ऑक्सीजन है उसमें यह धुआं मिल जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे ये अंदर चली जाती है शरीर में, ठीक है. उससे क्या होता है, हमें अस्थमा की यानी सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है. इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रदूषण रहित दीपावली मनानी चाहिए. और प्रदूषण रहित दीपावली कैसे मनेगी, बिना पटाखों की. देखिए, प्रदूषण रहित दीपावली बिना पटाखों के मनाई जाती है. दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना,
दिए जलाना, रंगोली बनाना, लक्ष्मी गणेश का पूजन करना आदि। यानी बच्चों दीपावली सिर्फ पटाखों से नहीं मनाई जाती, यानी पटाखों के बिना भी हम दीपावली का आनंद ले सकते हैं, दीपावली की खुशी का आनंद ले सकते हैं। कैसे? प्रदूषण रहित दीपावली बिना पटाखों के मनाई जाती है, यानी बिना पटाखों की जो हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं वो प्रदूषण रहित दीपावली होती है। और दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है हम सिर्फ पटाखे चलाकर, पटाखे लाकर, पटाखे खरीद कर ही दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके होते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, दिए जलाना, ठीक है, रंगोली बनाना, लक्ष्मी गणेश का पूजन करना आदि। नेक्स्ट है बच्चों, सत्यार्थी जी ने बच्चों के बचपन को कैसे बचाया? सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाई है। यानी सत्यार्थी जी ने एक आंदोलन चलाया था बच्चों, जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। और ये आंदोलन उन्होंने बच्चों के लिए चलाया था, ताकि जो बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं उन्हें कारखानों से मुक्ति मिल सके और उनका बचपन बर्बाद होने से बच सके, और वो अपना टाइम शिक्षा में लगा सके, यानी उन्हें शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हो। देखिए बच्चों, सत्यार्थी जी ने बच्चों के बचपन को कैसे बचाया? सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाई है और उनके बचपन को बर्बाद होने से बचाया है। और बच्चों मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमें भी सत्यार्थी जी की तरह ही काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास ऐसा कोई भी बच्चा नहीं देखना चाहिए, यानी अगर आप देखो तो आपको तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसर करना है। हम नहीं चाहते कोई भी छोटा बच्चा किसी की छोटी सी दुकान पे काम करे या किसी के घर में काम करे, उसे पढ़ाई लिखाई करने का समय ना मिले, अवसर ना मिले। हम ऐसा नहीं चाहते बच्चों। तो हमें भी सत्यार्थी जी की तरह बनना है, और हमें दूसरे जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं और वो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते और वो किसी के घर में जाकर, किसी की दुकान पर जाकर काम करते हैं, तो ऐसे बच्चों के बचपन को हमें भी बर्बाद होने से बचाना है। ओके बच्चों, देखिए सत्यार्थी जी ने बच्चों के बचपन को कैसे बचाया? सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर, यानी उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? बचपन बचाओ आंदोलन। सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाई। यानी ऐसे बहुत से बच्चे जो कारखानों में काम करते थे उन्हें वहां से मुक्ति दिलाई। किससे? जो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था उससे, और उनके बचपन को बर्बाद होने से बचाया। और जो बच्चे कारखानों में काम कर रहे थे उन्हें वहां से मुक्त करवाकर उनके बचपन को बर्बाद होने से बचाया। किसने? सत्यार्थी जी ने। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको बच्चों ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और इन्हें लर्न भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।